भाइयों और बहनों, मेरा नाम दीपक कौल है, मैं एक इम्पैक्ट ट्रेनी हूँ। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र निहलानी, मैं एक साइकियाट्रिस्ट मनोचिकित्सक हूँ। बहुत सारे लोग जिन्हें डिप्रेशन है, एंजाइटी है या कोई और साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उन्हें मैं अक्सर पूछता हूँ कि आपने दवाई क्यों छोड़ दी, और उनका जवाब होता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखिए, दवा छोड़ देने के पीछे जो बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से दीपक आपने एक सही कारण कहा कि अब मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसमें से काफी लोग भूल जाते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी की इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, वो कई बार बहुत ज्यादा रिकरेंट होती हैं, बार बार लौट के आती हैं, इसलिए दवा लंबे समय की आवश्यकता होती है। कई बार दीपक ऐसा भी होता है कि लोग समझते हैं कि अगर उनको दवा खानी पड़ रही है या दूसरे किस्म का इलाज कराना पड़ रहा है, मेंटल इलनेस का स्टिग्मा उनके ऊपर लग जाता है, वो औरों से अलग हो जाते हैं, उनके ऊपर एक लेबल लग गया है और उन्हें ये लगता है कि भाई हम कमजोर हैं, लोग हमारे बारे में सोचेंगे क्या, हम दुकान पे दवा लेने जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे। इस वजह से भी लोग जो है अवॉइड करते हैं कई बार, जो कि गलत है। तो दीपक, निष्कर्ष में बात ये निकलेगी कि अगर आपकी बीमारी लंबी है तो आपको दवा भी लंबे समय के लिए चाहिए। अगर आपके मन में बात आती है कि आपको दवा छोड़ना है तो धीमे धीमे दवा छोड़िए, अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार छोड़ें, डॉक्टर आपको दूसरे अल्टरनेटिव्स बता सके। अगर आप लकी हो तो आपकी दवा बिल्कुल छूटेगी, और छूटनी चाहिए अगर छूट सकती है तो। आई रिकमेंड मेडिसिन एट होम।